अब ये इस कल्चर के शान के बारे में बताने, शान चीज क्या, क्योंकि पहली बार मैंने देखा एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और उसके बीच से जाते हैं भागते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनके हाथ में क्या था, भाला था, वो क्या बोलते हो? एक जैसे एक चोलू वाला था, भाले वाला, वो जो है छुएगा दूसरे, जो लास्ट वाला होता है ना उसको छुएगा वो। यहाँ पे वो कल्चरल मोमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिस मोमेंट को देखने के लिए यहाँ पे खड़ा था, कि यहाँ पे देखो किस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने हाथ पकड़ लिया। अभी देखना ये है कि ये जो मोमेंट है किस तरह से पूरा होता है, या ये मोमेंट गाइस पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, पहली बार ये मोमेंट देखने जा रहा हूँ।
आपने जो अभी कल्चर देखा ना, जिसे शान कहते हैं हमारे चुराई कल्चर में, तो उसके बारे में भी पूछना चाहेंगे भैया, इस कल्चर के शान के बारे में बताने, शान चीज क्या? क्योंकि पहली बार मैंने देखा एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और उसके बीच से जाते हैं, भागते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनके हाथ में क्या था, भाला था, वो क्या बोलते हैं, भाला बोलते हैं ना, शिव जी का चिन्ह है। हाँ, वो हाथ में क्यों रखते हैं? वो हाथ में इसलिए रखते हैं कि उनके पूर्वजों ने उनके हाथ में थमाया था, तब हाथ में रखते हैं। जैसे वो नहीं होते अपने, एक
कहानी में होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के खींच जी होते हैं ना, उसी तरह से ये चीज परशुराम ने बनाई थी। ये दो जगह ही बनाई जाती है, एक ज्वारी जात्र में और सीकुटी में मनाई जाती है जी, बाकी किसी भी जगह में ये चीज जो है। एक दूसरे का हाथ क्यों खींचते हैं जब उस टाइम पे एक दूसरे को पकड़ते हैं? एक जैसे एक चोलू वाला था भाले वाला, वो जो है छुएगा दूसरा जो लास्ट वाला होता है ना उसको छुएगा वो। ये एक बिल्कुल गेम की तरह ना, खेल की तरह, खेल है ये, खेल है। अगर छू लिया तो फिर क्या होगा? छू दिया तो फिर खेल खत्म, यहाँ खत्म। यहाँ जो चेले काम, जब तक छू नहीं पाते तब तक खेल चलता रहता है, जब तक चेले जो है शांत नहीं हो जाते तब तक छूना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। अच्छा। उसके बाद खुद छू लेते हैं, जब चेले मतलब शांत हो जाते हैं उसके बाद छू लेते हैं। उसके बाद जो है इसका इतिहास यही था कि जब यहाँ पे ना चेले कांपते हैं या जो शान होती है इसी गांव में, या एक दूसरे गांव का नाम लिया हमारे भैया ने, ज्वारी गांव में मनाया जाता है। बाकी गाइस इसका इतिहास ये है, जब हाथ में भाला पकड़ते हैं ना, ये एक परशुराम जी का, हमारे भोलेनाथ जी का गाइस चिन्ह है। बाकी गाइस ये था प्यारा सा कल्चर, ये थी प्यारी सी वीडियो, ये था प्यारी सी जात्र। तो गाइस सारा का सारा ना इनका कल्चर खत्म हो चुका है, जात्र खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो यहाँ के लोकल है ना जी, रात में एक घंटा लगेगी, रात को भी जहाँ दोपहर कहते हैं, रात को होगी मतलब 8 बजे से 10 बजे तक करते हैं थोड़ा प्रोग्राम लास्ट में। एक चीज में आप क्या कहना कहना चाहूँगा, यहाँ से कहते हैं कि एक हमारी डुलती घोड़ी कहते हैं, अच्छा डुलती घोड़ी, पूर्वजों का कहना है, वहाँ पर क्या हो तो आते आते पूरे गांव जो है वो खत्म हो जाना था, बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा, तो पार से दिखाई दिया कि यहाँ से दल गया, जगड़ी का दल नहीं बोलते जिसको, वो गया एक दल, दल गया ऊपर, तो एक अंगूठे से उन्होंने वहाँ पर रोका है, आज तक वो वहीं पर रुकी है, प्रेजेंट है वो, प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा, वो जो मशाल भी इनकी, वो की पत्थर वो जो जैसे जैसे यहाँ है ना, जैसे मंदिर है, मंदिर से देवता यानी कि शिव शंकर है ना, यहाँ से जैसे ये गए और इन्होंने अपनी जो ये कनिका उंगली होती है उससे रोका उस पत्थर, अच्छा उस पत्थर, अगर वो शिला आ जाती तो पूरा गांव खत्म था। आज से मतलब 25-30 साल पहले की बात है कि मतलब दादाजी थे मेरे, पुजारी थे यहाँ पे, तो उनने बताया था कि मतलब उनने यात्रा रोक दी थी एक बार, मतलब बलि देने के लिए मना कर दिया, तो दूसरे दिन ऐसा हुआ वो गाय के साथ गए, वो गाय पकड़ी थी मतलब बाघ ने, एक साइड दादा ने पकड़ी, एक साइड बाघ ने पकड़ी, वो मतलब मुंह में छींटे भर भर के दादा के ऊपर डाल रहे थे। हाँ दादा बिल्कुल मतलब सफ़ेद कोट पहन के मतलब लाल होके आए थे। हाँ तो गाय काट दी थी बाघ ने, उसके बाद ये कंटिन्यू चला और चलाना पड़ेगा ये मेला ना। हाँ मेला चलाना पड़ेगा, अगर यात्रा हो ना हो लेकिन जो बलि हमारी कंपल्सरी है वो हमने करनी ही पड़ेगी, देवता को पूजन करना। हाँ देवता का पूजन करना, बाकी यात्रा हो ना हो जी, लेकिन फर्स्ट दिन जो हमारा है वो हमने करना ही पड़ेगा। दो शब्द दिन से इनसे पहले भी मुलाकात, क्या कहना चाहोगे इस जो कल्चर है आपका? ये काफी देखो जी, एक हिंदुत्व की सनातन की बात करें तो हमारा ये कल्चर है, धर्म भी है, और जैसे वार्षिक मेला होता है तो हमें पूजा करनी पड़ती है, देवता को मनाना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है इंसान को, कम से कम चलो इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, अगर इसमें भी आप टाइम नहीं निकालेंगे पूजा पाठ के लिए तो है, तो हमारी परंपराएं पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, चली आ रही है, तो हमें भी मौका मिलता है भगवान के आगे शीश नवाने का। बिल्कुल जी, और मेला भी काफी अच्छा हुआ। थैंक यू, जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं, ये है चले गए टोपी वाले बात कर, ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं। सर क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के बारे में, मेले के? बस बढ़िया सर, अच्छा समापन हो गया। हाँ जी हाँ जी, अभी समापन हो गया, बट इसके बाद भी यात्रा होगी अभी है ना? हाँ रात को यात्रा होगी, 12 बजे तक रहेगी, हमारे पूर्वजों का यही प्रोसेस चला रहा, हम निभा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ये हमारे प्रधान साहब हैं, ये होली शोली आज तक निभाते आ रहे हैं और निभाएंगे, है ना? जय भोलेनाथ सभी को, है ना? जय भोलेनाथ। गाइस ये था प्यारा सा कल्चर, हमारे चुराह का या सही कुटी की यात्रा, गाइस इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की और सारी की सारी यात्रा आपको दिखाने की कोशिश की और इसके कल्चर के बारे में भी जाना हमने। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो जितने भी हमारे चुराह के लोग हैं या जितने भी चुराह की पब्लिक है, गाइस वीडियो को ना शेयर करना है ताकि जो आपका कल्चर है वो बाहर के लोग भी देख पाए, तो आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।